अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताएं आप कैसे हैं, उम्मीद है कि ठीक होंगे। देखिए मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी जो अब बिल्कुल ग्रोथ पे हैं, तो मैं आपको दिखा दूं। ये प्लूमेरिया यानी नागचंपा की कटिंग है और ये चेन प्लांट की। जब मैं प्लांट्स लाती हूँ तो मैं पाउच को काटती नहीं, ऐसे संभाल के रख देती हूँ और फिर इसी में प्लांट्स ग्रो करके गिफ्ट कर देती हूँ। तो दो चेन प्लांट्स की कटिंग लगाई थी, दोनों लग गई है। और ये पीस लिली है, ये कॉक्सकॉम्ब है और ये नागचंपा है, ये पेंसिल कैक्टस है और ये कोलियस। तो इतनी कटिंग्स मैंने लगाई थी और ऑनलाइन मैंने बीज मंगवाया था, तो देखिए इतने ग्रो हो गए हैं अभी और धीरे धीरे हो रहे हैं। मैरी गोल्ड के थे, बहुत सारे मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन मीशो से, बहुत अच्छी कंपनी है मीशो की और बहुत बढ़िया, मतलब सील करती हैं, उनका 100% जो होता है सक्सेस होता है उनका जो सीड्स होता है। तो मैं एंथूरियम का भी मंगवाई थी, 1, 2, 3 बच गए हैं, बाकी सब निकले थे 15-20, लेकिन बारिश की वजह से गल गए, मैंने मेरी केयरलेस थी जो मैं ध्यान नहीं दे पाई। और ये मैंने मीशो से ये भी ऑनलाइन परचेज़ किया है, तो बढ़िया इफ़ेक्ट आ रहा है। आप लोग भी जो आप लोग को जो भी चीज़ें मंगवानी है आप लोग मीशो से मंगवाया करें, क्योंकि बहुत सक्सेस कंपनी है। और ये देखिए कोकोपीट है, इसे पहले पानी में भिगोते हैं फिर इस तरीके से छान लेते हैं। ये 5 kg थी, ये तो इतना ही बड़ा सा ब्रिक था, लेकिन जब हमने इसे भिगोया तो ये इतनी सारी हो गई। अभी बारिश हो रही है इस वजह से मैं जो है इन्हें बाहर नहीं निकाल रही हूँ ऐसे, मतलब तब तक पानी इनके ड्रेन हो जाएंगे, छन जाएंगे या निचुड़ जाएंगे, कुछ भी कहें। तो देखिए मैरीगोल्ड, इससे पहले भी मैंने मैरीगोल्ड के फ्लावर्स ख़रीदे थे, उन्हें सुखवाया, फ्लावर्स क्या पूरी माला ही मैंने ख़रीद ली थी, उन्हें सुखवाया और फिर उन्हें स्प्रिंकल किया, लेकिन एक भी नहीं निकले थे। इसमें भी देखिए कोलियस की कटिंग, ये देखिए रेन लिली के बीज मैं स्कूल से लाई थी और मैंने इसे छिड़क दिए, इतने सारे हो गए हैं। ये भी देखिए कोलियस की कटिंग है। तो आइए मैं आपको जो मैं सबसे ज़्यादा दिखाने के लिए बेचैन हूँ वो है मेरा टिकोमा फ्लावर, आइए मैं आपको दिखाती हूँ।